हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का गौर पूर्णिमा के महामहोत्सव पर आप सबका स्वागत है। लगभग 20-25 मिनट में भगवान का दर्शन रेडी होगा, उसके बाद में भगवान की महामंगल आरती रहेगी। महामंगल आरती के बाद में सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद रहेगा, कृपा करके महाप्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। तो आज का दिन शुभ दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो स्वयं कृष्ण है, जो व्रजेंद्र नंदन ये सच्ची सुता होइलो से, कलयुग में वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भौतिक संसार में आते हैं। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे भगवान की लीला अवतार है, आप सबने सुना होगा। जयदेव गोस्वामी भगवान के लीला अवतार के बारे में कहते हैं, केशव धीरता दशविध रूपा, दस अवतार के बारे में, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, बलदेव जी का अवतार, कल्की का अवतार, बुद्ध का अवतार, इन्हें कहते हैं लीला अवतार। और भी अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार भी होते हैं। जब भगवान किसी जीव के अंदर में अपनी अद्भुत शक्ति देते हैं, वो शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। जैसे वेद व्यास, उनके अंदर में भगवान ने परम ज्ञान, ज्ञान की शक्ति प्रदान की, वेद व्यास भी भगवान के इस प्रकार के अवतार हैं। परशुराम भी इस भौतिक संसार के जीव हैं, लेकिन भगवान की स्पेशल जो है उनके अंदर में शक्ति है, वो भी शक्त्यावेश अवतार है। इसी प्रकार से एक अवतार होते हैं युगा अवतार। हम सबको ज्ञात है कितने युग होते हैं, चार युग हैं। कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। युग अवतार का मतलब होता है जो उस युग के अंदर में, जैसे सतयुग में भगवान के एक युग अवतार आएंगे, त्रेता में भगवान के एक युग अवतार आएंगे, द्वापर में भी भगवान के युग अवतार आएंगे, और कलयुग में भी युग अवतार आएंगे। ये जो युग अवतार आते हैं, उनका कार्य क्या रहता है? उस युग के अंदर में कौन से मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, उस मार्ग को दर्शाया जाता है इन युग अवतार के द्वारा। सतयुग में कौन सा मार्ग सही है, किस मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वो सतयुग के युग अवतार बताएंगे। त्रेता युग में कौन से पथ के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वो त्रेता युग के युग अवतार बताएंगे। इसी प्रकार द्वापर और कलयुग। भागवतम में बताया है जो सतयुग के अवतार थे, उन्होंने कौन सा रास्ता दिया? ध्यान का। कृते यद ध्यायते विष्णुम, सतयुग में भगवान के, विष्णु के ऊपर ध्यान लगाने का रास्ता दर्शाया सतयुग के अवतार ने। उनका नाम भागवतम में बताया गया है हंसावतार। उनका चार भुजाएं विष्णु के रूप में जो है
उनका अवतार था और उन्होंने किस प्रकार से भगवान की मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, इस तरीके के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये सतयुग में हमसा अवतार ने दर्शाया। त्रेता युग में कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। इसको किसने दर्शाया? जो भगवान के विष्णु के रूप में अवतार थे यज्ञ पुरुष, उन्होंने स्वयं जो है भगवान का यज्ञ कैसे किया जाता है वो त्रेता युग में दर्शाया। द्वापरे परिचर्याया, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण भगवान आए मंदिरों में, कितने जैसे द्वारकापुरी में हम लोग देखते हैं भगवान की कितनी सुंदर जो है भगवान की मंदिरों के अंदर में उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, वो स्वयं कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में दर्शाया। अब बाकी कौन सा रह गया? कलियुग। तो हमने देखा कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में कौन सा तरीका है? भगवान के नाम का कीर्तन, हरि कीर्तनात्। तब हम लोग सोचेंगे कि भाई ठीक है, सतयुग में हमसा अवतार आए, त्रेता युग में यज्ञ पुरुष, द्वापर में स्वयं कृष्ण भगवान, कलयुग में कौन से अवतार है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भागवतम में सातवें स्कंद में जब प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो बताते हैं कि भगवान आपको त्रियुगी कहा जाता है क्योंकि तीन युगों में आप अपने आप को डिक्लेयर करते हो कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही इस युग का अवतार हूं। लेकिन कलयुग में छन्नह कलौ, कलयुग के अंदर में आप अवतार लेते हैं लेकिन आप कवर्ड होते हैं, आप लोगों को नहीं बताते हैं मैं ही वो अवतार हूं। छन्नह कलौ अभवस त्रियुगो स्थ, इसलिए भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। बाकी तीन युगों में भगवान क्लियरली बताते हैं मैं ही वो अवतार हूं, लेकिन कलयुग में छन्नह भगवान छिपे रूप में अवतार लेते हैं। ये जो है सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो ये तो हमारी समझ में आ गया कि कलयुग के जो अवतार आएंगे वो क्या सिखाएंगे? भगवान का संकीर्तन। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तनात्। अब कलयुग में हरि कीर्तन सिखाने वाले वो अवतार कौन हैं? उनका परिचय हमें कहाँ से मिलता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कलयुग में एक अपने आप को अवतार घोषित करने वाले भी आए थे। तो पहला तो ये है कलयुग में वो जो भगवान के अवतार हैं या जो स्वयं भगवान हैं वो अपने आप को अवतार घोषित नहीं करते, लेकिन कलयुग में हमने देखा है जो राम था, जो कृष्ण था, वही बाद में अवतार लिया और काली कीर्तन, लेकिन हमने तो नहीं देखा हरि कीर्तन लिखा है। और उन्होंने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं, काली का कीर्तन करो, दुर्गा का कीर्तन करो, विष्णु का कीर्तन करो, सब बराबर है, लेकिन ये भगवान का अवतार नहीं है। तो हम कलयुग में उस भगवान के अवतार को कैसे पहचान सकते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी भागवतम में जब कृष्ण भगवान
जब उन्होंने स्वयं अवतार लिया, जब स्वयं कृष्ण भगवान इस धरती पर आए द्वापर युग में, आज से लगभग 5000 साल पहले जब स्वयं कृष्ण भगवान आए, वैदिक सभ्यता में क्या होता है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तुरंत जो है एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है और वो जो है उनकी कुंडली सब देख करके, जन्म सब देख करके वो बताता है कि ये पुरुष कौन है, ये क्या करने वाला है। तो इसी प्रकार से जब वसुदेव ने कृष्ण भगवान को नंद बाबा के यहां पर छोड़ दिया था, तो नंद बाबा ने जो है तुरंत गर्ग मुनि को बुलाया। गर्ग मुनि ने कृष्ण भगवान की जन्म पत्री निकाली और उन्होंने जो है प्रिडिक्शन दी। बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने कहा ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं कृष्ण भगवान है, वही नारायण, वही विष्णु, वही ओरिजिनल पुरुष स्वयं केशव कृष्ण जो है इस समय यहां पर आए हैं धरती के ऊपर। बड़ा सुंदर श्लोक है। उस श्लोक के द्वारा हमें पता चलेगा कलयुग में जो भगवान के अवतार लेंगे वो कौन है। तो उसमें वो कहते हैं आसन वर्णस्त्रयो ही अस्य, ये जो अभी इन्होंने जो अवतार लिया है या स्वयं जो भगवान आए हैं, इन्होंने पहले त्रयो वर्णों, तीन प्रकार के वर्ण में, तीन प्रकार के कलर में पहले भगवानों ने अवतार लिया है। कैसे कैसे हैं? ग्रहण तो नु युगम तनु, हरेक युग के अनुसार, तनु का मतलब होता है उनका शरीर, वर्ण का मतलब होता है कलर, अलग अलग कलर में भगवान ने अलग अलग युग में अवतार लिया। अब ये तो हमें पता है कि चारों युग में चार अलग अलग अवतार होते हैं। हंस अवतार थे, है ना, हंस अवतार के बाद में यज्ञ पुरुष थे, यज्ञ पुरुष के बाद में स्वयं कृष्ण थे। अब ये जानना जरूरी है इनका कलर क्या क्या था, ये भी जो है गर्ग मुनि ने बताया है। वो कहते हैं शुक्लो रक्तस तथा पीता। अब कौन सा है? इदानिम कृष्णताम गतः, चार कलर बताए। उन्होंने कहा इस बच्चे ने पहले जो है तीन अलग अलग युगों में अवतार लिया, युग अवतार के रूप में, और उस समय इनके अलग अलग तीन कलर थे। कौन कौन से थे? शुक्लो, शुक्लो का मतलब होता है सफेद, इसलिए हंस अवतार जो सतयुग में थे वो सफेद कलर के थे। यज्ञ पुरुष जो त्रेता में थे, रक्ताहा, वो लाल कलर के थे। रक्त होता है ना हमारा, लाल कलर का होता है, रक्ताहा। तथा पीता, और पीले कलर में इन्होंने लिया है। वो कौन से युग में लिया है वो बताया नहीं अभी। आगे कहते हैं इदानीम, और अभी मतलब कौन से युग में? द्वापर में। कृष्णताम गताः, कृष्ण कलर में है। कृष्ण का मतलब होता है जो आकाश का कलर है, काला, उस प्रकार का जो कलर है हम लोग देखते हैं नीला, उस कलर में अभी आए। तो सतयुग में हो गया शुक्लो, त्रेता युग में हो गया रक्तो, अभी द्वापर युग में वो कह रहे हैं कृष्णा। कौन सा युग बच गया? कलयुग। तो कलयुग में कौन सा है? पीता। भगवान जो है गोल्डन येल्लो, सोने का कलर भी पीला है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम है द गोल्डन अवतारा, स्वर्ण अवतार है। और कलयुग में
चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कभी भी अपने आप को अवतार घोषित नहीं किया, आम जनता में पब्लिक में कभी घोषित नहीं किया, अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल, केवल भगवान के जो कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज थे, जैसे स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी, ऐसे महान सार्वभौम भट्टाचार्य, केवल उनको भगवान ने जो है अपना रूप भी दर्शाया, राम का रूप, कृष्ण का रूप, वराह का रूप, नरसिम्हा का रूप, कि वही मैं हूं। लेकिन आम जनता में कभी भी उन्होंने नहीं कहा। जब भी कोई उन्हें कृष्ण के नाम से कहता था कि आप भगवान के अवतार हैं, वो तीन बार विष्णु 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 कह के अपने कान बंद कर लेते थे। और वो कहते थे कि आम जीव को कभी भी भगवान नहीं कहना चाहिए। ये भी जो है चैतन्य महाप्रभु सिखाना चाहते थे। तब हम लोग सोचेंगे कि ठीक है, हमें कैसे पता लगता है? एक तो कॉम्प्लेक्शन हो गया, कलर हो गया, एक कार्य हो गया, वो क्या सिखाने वाले हैं कलयुग में, है ना? वो भी हमने देखा, हरि नाम, भगवान का हरि नाम, कलौ तद हरि कीर्तनाद, भगवान कृष्ण का कीर्तन सिखाएंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गोल्डन कलर में है और हरि नाम संकीर्तन सिखाएंगे, ये कहां पर बताया गया है? ये भी हम लोग देखते हैं, ये भी भागवतम में बताया गया है। जब करभाजन ऋषि राजा निमि को अलग अलग युग के अवतारों के बारे में और उनकी क्रियाओं के बारे में, उन्होंने क्या किया उसके बारे में बता रहे थे, तब वो कलयुग के बारे में बताते हैं कि कलयुग में भगवान का अवतार क्या करेंगे। वो कहते हैं कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम संगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशाह। वो क्या बताते हैं, कलयुग में जब भगवान अवतार लेंगे या भगवान स्वयं आएंगे, तो वो क्या करेंगे? कृष्ण वर्णम, दो मतलब है कृष्ण वर्णम का। एक तो हमने देखा वर्ण का मतलब होता है कलर, तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण के वर्ण के हैं, उन्हीं की कैटेगरी के हैं। त्विषा, त्विषा का मतलब होता है शरीर, अकृष्णम, लेकिन उनका शरीर जो है कृष्ण के कलर का नहीं है। कृष्ण की कैटेगरी के हैं लेकिन शरीर कृष्ण के कलर का नहीं है। तब हम लोग सोच सकते हैं कि भाई कृष्ण के कलर का नहीं है, लाल भी हो सकता है, कृष्ण के कलर का नहीं है, सफेद भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग युग में भगवान अलग अलग कलर में आते हैं। ये भी हमने देख लिया, चार युगों में चार अलग अलग कलर में आते हैं। तो कलयुग में पीत कलर में आते हैं, वो अब हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि कलयुग के बारे में बताया गया है। क्यों? सफेद कलर सतयुग में ले लिया था, लाल कलर त्रेता में ले लिया था, ब्लैक कलर बादल का जो कलर है वो भगवान ने द्वापर में ले लिया था, अब कौन सा कलर बच गया? गोल्डन, पीला कलर बच गया। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, उनका कौन सा कलर है? गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। और क्या करते हैं भगवान? संगो पंगास्त्र पार्षदम, भगवान अपने अस्त्रों के साथ में आते हैं, भगवान शस्त्रों के साथ में आते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब हम लोग पूछते हैं, आप देख सकते हैं उधर पीछे, पंच तत्व के रूप में जो है उनकी पूजा की जाती है, ये भगवान के पार्षद हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंदा प्रभु, अद्वैता प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, ये जो है पंच तत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु, तब हम लोग देखेंगे कि भगवान के अस्त्र कहाँ हैं। जब भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आए थे, सुदर्शन चक्र सब लेकर के आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि गदा पद्मा
चक्र सब रहते हैं, कमल। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका अस्त्र क्या है, तो वो भी बताया है कौन सा अस्त्र है। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, कलयुग में भगवान स्पेशल अस्त्र लेकर के आते हैं और भगवान स्पेशल यज्ञ बताते हैं। ये भी यज्ञ है। जिस प्रकार से भगवान ने त्रेता युग में यज्ञ की विधि बताई थी, वो यज्ञ कैसे होता था, जैसे बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, उसमें जो है क्विंटल क्विंटल घी चढ़ता था, टन टन घी चढ़ाया जाता था, है कि नहीं। आजकल कहाँ है, वो संभवता नहीं है। एक किलो घी भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। हम लोग घी के अंदर में तेल लगा लगा करके जो है रोटी बनाते हैं। हमारे पास में हवन में डालने के लिए घी कहाँ से आएगा, बड़ी मुश्किल बात है। और एक किसी ने व्हाट्सएप भेजा था कि कलयुग बढ़ते बढ़ते जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा यज्ञ भी। यज्ञ भी जो है पुजारी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होम कुंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है पिक्चर के अंदर में दिखा देगा। क्योंकि घी कहाँ से लाएगा, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, बड़ा मुश्किल है कि नहीं। तो कलयुग में उस प्रकार का यज्ञ बड़ा मुश्किल है। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ बताते हैं, संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में भगवान कौन सा शस्त्र लेकर के आते हैं, हरि नाम संकीर्तन का शस्त्र लेकर के आते हैं। ये भी बड़ा सुंदर है समझना। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में हमारी आयु बड़ी कम है। सतयुग में जो है लाखों साल की हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे घटती घटती आई। कलयुग के अंदर में जो है हमारी आयु कितनी हो गई है, मैक्सिमम बोले तो 100 साल की है। और आजकल तो 100 साल भी हमको पूरे नहीं मिलते हैं, 30-40 के अंदर में ही बीमारियां आ जाती हैं और हम लोग शरीर छोड़ देते हैं। तो कलयुग में एक तो आयु बड़ी कम है, दूसरी ऐसे दुष्ट लोग पैदा हो गए हैं कि पहले ही आयु कम है, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कर लिए हैं कि एक बम लगाया तो हजारों लोग एक साथ में गए, करेक्ट है ना। और आजकल हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर बम, एटम बम इस प्रकार के हैं, सारी की सारी धरती की पॉपुलेशन 7 बार मिटाई जा सकती है। इतनी जो है असुरों ने इस प्रकार के इन्वेंशन कर लिए हैं। तो जब ये सब ऑलरेडी है तो भगवान कलयुग में लोगों को मारने के लिए क्यों आएगा। लोग तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, इस प्रकार के इन्वेंशन करके बैठे हुए हैं कि अपने आप मरने वाले हैं, फिर भगवान कलयुग में मारने के लिए किस लिए आएगा। सतयुग वगैरह में भगवान को मारने की जरूरत पड़ती थी, त्रेता युग में भी जरूरत पड़ती थी, द्वापर में भी जरूरत पड़ी, कलयुग में भगवान को मारने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग आपस में लड़ करके स्वयं मर जाएंगे, वो भी जरूरत ही नहीं है। तो कलयुग में इसलिए जो है अगर भगवान मारना चाहते हैं दुष्टों को, तो सारी की सारी पॉपुलेशन को मारना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली 99% लोग पापी हैं। कलौ दोष निधे राजन, कलयुग दोषों से भरा हुआ है। इसलिए अगर कलयुग में भगवान अपने सुदर्शन चक्र या गदा ये सब लेकर के आए तो कलयुग में सारी पॉपुलेशन ही चली जाएगी। इसलिए भगवान जो है उस प्रकार का हथियार नहीं लेकर के आते हैं, उस प्रकार का अस्त्र नहीं लेकर के आते हैं, स्पेशल अस्त्र लेकर के आते हैं। ये स्पेशल अस्त्र से क्या होता है, शरीर हमारा जीवित रहेगा, मन के अंदर में जो आसुरी भाव है उसका अंत हो जाएगा। ये जो है स्पेशल अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन का। और कल ही भक्त लोगों ने जो है स्पेशल नाटक देखा था, आप सब लोग कुछ लोग भक्त लोग आए थे, आपने देखा होगा परम करुणा, चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से जगाई मधाई। दुष्ट लोग थे, बड़े से बड़े उन्होंने पाप कर्म किए थे, प्रोस्टिट्यूशन से लेकर के हत्या से लेकर के लुटेरी बाजी, सब कुछ प्रकार के गंदे कर्म उन्होंने किए थे। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने भगवान के हरि नाम उसकी शरण ली, आश्रय प्राप्त किया, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से
जगाई और मधाई बाद में भगवान के महान भक्त बने, उनकी आसुरिक जो वृत्तियां थी उसका अंत हो गया भगवान के हरिनाम संकीर्तन करने से। तो ये जो है कलयुग के अंदर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस हरि नाम आंदोलन को, इस हरि नाम संकीर्तन को जो है लोगों को प्रदान करते हैं। तो इसलिए कहा है यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशाह। यजंती ही सुमेधशाह का मतलब होता है कि कलयुग में भी जो लोगों के अंदर में थोड़ा गुड ब्रेन सब्सटेंस है, जिनके दिमाग के अंदर में गोबर भरा है, जिनके दिमाग के अंदर में भूसा भरा है, वो लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के रास्ते को नहीं फॉलो करेंगे। वो अलग अलग प्रकार के जो है ढोंगी बाबाओं को अवतार समझ करके उनके पीछे जाएंगे, लाखों लाखों उनके अनुयायी रहेंगे। जिनके अंदर में सुमेध शाह, मेध का मतलब है गुड ब्रेन सब्सटेंस, मतलब जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, वो लोग चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे, उनके हरि नाम को जो है ग्रहण करेंगे। ये जो है भागवत में बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? कृष्ण के रूप में जब स्वयं भगवान आए थे द्वापर युग में, उन्होंने भगवत गीता प्रदान की थी। प्रभुपाद जी उसके बारे में बताते हैं कि भगवान ने जो है भगवत गीता जो प्रदान की, ये भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। करेक्ट है, महाभारत जो है इतिहास पुराण उस कैटेगरी में आता है। इससे ऊपर होता है श्रुति। श्रुति मतलब जैसे ये चार वेद हैं, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये जो वेद हैं इसे श्रुति कहते हैं। महाभारत स्मृति में आता है। स्मृति जो है, जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको ज़्यादा बुद्धि नहीं है, जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं समझ सकते हैं, दर्शन को नहीं समझ सकते हैं, वेदांत को नहीं समझ सकते हैं, उन लोगों के लिए महाभारत पुराण रचे गए। कंक्लूजन एक ही है, लेकिन कलयुग में वेदांत की बात तो भूल जाओ, वेदांत तो समझना नामुमकिन है, वो तो संभव ही नहीं है। क्योंकि कलयुग के अंदर में अल्पमेदशा लोग जो है बहुत कम बुद्धिमान है, उनके अंदर में बुद्धि नहीं है प्रैक्टिकली। सारी पॉपुलेशन शूद्र के बराबर है, कलौ शूद्र संभवात। तो इसलिए वेदांत तो समझ ही नहीं सकते हैं, सामवेद यजुर्वेद ये सब नहीं समझ सकते हैं, उपनिषद भी नहीं समझ सकते हैं। भगवत गीता जो महाभारत का जो हिस्सा है, इसलिए भगवान ने जो है हमको समझने के लिए कलयुग के लिए बड़े इजी तरीके से दिया। यानी क्या है, भगवत गीता स्त्री वेश्या अपि शूद्र, इस कैटेगरी के लोगों के लिए महाभारत। लेकिन देखिए भगवत गीता जिसको अर्जुन ने केवल 2 घंटे के अंदर में, भगवत गीता को पढ़ने में कितना समय लग सकता है अगर हम लोग सारे श्लोक 700 श्लोक बोले, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो 2 से 4 घंटे के अंदर में अर्जुन ने सारी भगवत गीता समझ ली। लेकिन कलयुग के इतने बड़े बड़े दार्शनिक लोग, पीएचडी लोग, पूरे जिंदगी भगवत गीता नहीं समझ सकते। आप समझ सकते हैं कलयुग में कितना बढ़िया ब्रेन सब्सटेंस है। पहले जो है वेदों को लिखा भी नहीं जाता था। वेदों को श्रुति क्यों बोलते थे, क्योंकि गुरु जो है शिष्य को केवल बोलता था, बस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका दिमाग इतना शार्प रहता था, वर्बेटिम जो बोला गया उसको इमीडिएटली जाकर के जो बता सकते थे, इतनी बढ़िया मेमोरी होती थी। यहां तक कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज से लगभग जो है एक प्रभुपाद के समय में, 100 साल पहले की बात है नियरली, उस समय में भी जो है ब्राह्मण जो है उनकी कई बार स्मृति इतनी बढ़िया होती थी कि एक अंग्रेज व्यक्ति जो है वो कुछ कुछ अंग्रेजी में बोल के गया,
तो बाद में जब इस ब्राह्मण को विटनेस के रूप में बताया गया, उसने बोला सर मेरी समझ में तो नहीं आया वो क्या बोला, लेकिन जो उसने 15-20 मिनट बोला था सारा अंग्रेजी के अंदर में उसने बता दिया। तो पहले जो है स्मृति इस प्रकार की रहती थी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वेद व्यास ने पहली बार आज से 5000 साल पहले सोचा कि भाई कलयुग के अंदर में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी, अपना बर्थडे भी उनको जो है इसमें देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप में देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है जब बैंक से SMS आता है तब याद आता है कि वो मेरा आज बर्थडे है, वो भी हमें याद नहीं रहता है। कल हमने क्या खाया था ब्रेकफास्ट के अंदर में वो भी हमें स्मरण नहीं रहता है। एक घंटे पहले क्या किया था वो भी याद नहीं रहता है, उसके लिए भी हमें डायरी में नोट डाउन करना पड़ता है। तो वेद व्यास ने आज से जो है लगभग 5000 साल पहले ये जब दृष्टांत देखा तब उन्होंने सोचा कि बेटर है मैं लिख दूं, नहीं तो ये बुद्धू लोग कुछ समझने वाले नहीं है, सब भूल जाएंगे। इसलिए पहली बार आज से 5000 साल पहले वेदों को लिखा गया। उससे पहले वेद लिखे नहीं जाते थे, पास डाउन होते थे श्रुति के द्वारा, इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता था, इस प्रकार से था। तो महाभारत जो है स्मृति है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं बेस्ट से बेस्ट स्कॉलर भी कलयुग में भगवत गीता जो अर्जुन 4 घंटे में समझ सके, आज पूरी जिंदगी भी पढ़ करके हम लोग भगवत गीता नहीं समझ सकते। एक बड़े जो है दार्शनिक थे, उनको PhD डॉक्टर बताया गया, बड़ा सम्मान के साथ में इंडिया में जो है उन्हें अनेकों प्रकार के पुरस्कार भी मिले। भगवत गीता पढ़ने के बाद में जब उनसे सारांश पूछा गया कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो जब उनसे पूछा गया कि भाई भगवत गीता में भगवान का क्या सारांश है, तो कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे को मत सरेंडर करो, मेरे को नहीं, भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, और वो कह रहे हैं कि भगवान को नहीं, किसको फिर, नहीं जो भगवान के अंदर में, जो तुम्हारे अंदर में, जो मेरे अंदर में, जो सबके अंदर में ब्रह्मन है उसको सरेंडर करो, कृष्ण को नहीं। ये कहां भगवान ने बताया कि मेरा अंदर मेरा बाहर अलग है? पूरी भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं बताया मेरा अंदर मेरा बाहर अलग है कि नहीं? तो ये देखिए इस प्रकार का ब्रेन सब्सटेंस है, ये लोग नहीं समझ सकेंगे। इसलिए कहा है सुमेध शाह, जो लोग थोड़े अकलमंद हैं वो जो है भगवान को समझ सकेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है उनको आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? भगवद गीता देने के बावजूद भी कृष्ण ने देखा कि ये मूर्ख लोग जो है उसके अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। मैंने बोला मन मना भवा, मेरे को मन में याद रखो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भगवान की शरण में मत जाओ। तब जब भगवान ने देखा कि कलयुग में लोग इस प्रकार के हैं, तब भगवान ने सोचा ऐसे काम चलने वाला नहीं है। भगवान ने विचार किया मुझे ही स्वयं आना पड़ेगा, मुझे इन मूर्ख लोगों को शिष्य बन के समझाना पड़ेगा, शिक्षक बन के नहीं, मुझे ही शिष्य के रूप में आकर के, भक्त के रूप में आकर के भगवान की भक्ति कैसे की जाती है मुझे ऐसे ही आना पड़ेगा। इसलिए भागवत में कहा है छन्न कलौ, कलयुग में भगवान अपने आप कृष्ण घोषित नहीं करते हैं, भक्त के रूप में आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, टीचर जो है जब देखता है कि बच्चा बड़ा बुद्धू है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, टीचर लिखे जा रहा है, बताए जा रहा है ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, जब उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करता है, स्वयं बच्चे का रोल लेकर के ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाता है ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब उसमें क्या है, टीचर ने बच्चे का, स्टूडेंट का रोल लिया है, टीचर स्टूडेंट नहीं बन गया है, ये हमें समझना है। टीचर फिर भी टीचर है। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान भक्त का रोल लेते हैं। छन्न कलौ, भगवान अपनी गरिमा को,
भगवान अपने असली रूप को कवर करके भक्त के रूप में कलयुग में आते हैं, लेकिन वो स्वयं कृष्ण हैं और हमें जो है शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में समझाते हैं भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। तो भगवान जो है आज से लगभग 500 साल पहले पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान जो है इस धरती पर आए। प्रभुपाद बताते हैं कि अवतार का मतलब क्या होता है और अवतार का कार्य क्या होता है। अवतार का मतलब होता है जो ऊपर से आते हैं, एक स्पिरिचुअल संसार है, आध्यात्मिक संसार है। ये क्या है? भौतिक संसार है। आध्यात्मिक संसार से जब भगवान नीचे आते हैं उन्हें अवतार बोलते हैं, मतलब वो हैं पहले वहां पर हैं लेकिन वहां से नीचे आते हैं। मान लीजिए आप फिफ्थ फ्लोर पर हैं, फिफ्थ फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। इसी प्रकार से भगवान आध्यात्मिक संसार से, सनातन संसार से, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम, वहां से जब भगवान इस धरती के ऊपर आते हैं उनको अवतार कहते हैं। तो जब स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में स्वयं आए वो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, कोई भगवान के अंश नहीं है, स्वयं कृष्ण है। केवल डिफरेंस क्या है? रंग अलग है। कृष्ण जो है श्याम कलर में है, चैतन्य महाप्रभु पीत कलर में, गोल्डन कलर में है। डिफरेंस केवल इतना है। भाव का भी अलग है। जब स्वयं कृष्ण आते हैं वो ऐश्वर्य भाव में है, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्ति भाव में है। वो डिफरेंस है बस, नहीं तो वही है। लेकिन भगवान की भक्ति कैसे की जाती है ये सिखाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण कलयुग में आते हैं। अपने आने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये भी दिखा दिया था कि मैं इस संसार में क्या कार्य करने वाला हूं, ये भी बड़ा सुंदर है समझना। और जैसे मैंने जो है आपको बताया था कि न केवल भागवतम के अंदर में, सामवेद में, अथर्ववेद में, चैतन्य उपनिषद में, अनेकों उपनिषदों में क्लियरली चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के अवतार हैं। यहां तक कि महाभारत में भी बताया गया है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो सब बताया है, चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, सन्यास लेंगे, सारी एक्टिविटी जो है उसके बारे में बताई गई है। समय का अभाव है, अन्यथा कम से कम 20 से ज़्यादा श्लोक हैं श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में और संहिताओं में, जिससे जो है बड़े बड़े गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने जो है क्लियरली बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग के अवतार हैं। अवतार जो है लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, उस प्रकार से नहीं समझा जाता है। उन लोगों के वोटिंग के द्वारा कोई अवतार नहीं बनता है। बड़े बड़े महान भगवान के विद्वानों के द्वारा, सर्वभौम भट्टाचार्य अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सारे महान महान लोग थे, प्रकाश नंदा सरस्वती, इन सब महानुभावों ने शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित किया कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार है। तो समय का अभाव है, अन्यथा अगर आप इंटरनेट में, आज सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप टाइप करते हैं कि वर्सेस कंफर्मिंग चैतन्य महाप्रभु एज कलयुग अवतार, आपको 20-30 से ज़्यादा जो है वेदों के अंदर से श्लोक मिल जाएंगे। क्लियरली सची के घर में जन्म लेंगे, गंगा नदी के तट में जन्म लेंगे, बाद के जीवन में सन्यास ग्रहण करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वेदों के अंदर में दी गई है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है
कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं आकर के भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए ये समझाते हैं। और आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, अपने जन्म से पहले ही उन्होंने जो है ये संकेत हम सबको दे दिया कि कलयुग में वो क्या करने वाले हैं। उस दिन क्या हुआ, फाल्गुन पूर्णिमा थी और उस दिन एक एक्लिप्स हुआ, ग्रहण हुआ। तो ग्रहण में क्या होता है आपको पता होगा, भारत में जो है जब भी ग्रहण होता है लोग नदी में जाकर के, पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करते हैं और भगवान के नाम का जोर जोर से जो है जप करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले एक्लिप्स हुआ, ग्रहण हुआ और उस समय में पूरे बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में लोग जो है पवित्र नदियों में जा करके हरि नाम जो है भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उस समय में चैतन्य महाप्रभु ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म से पूर्व ही ये समझा दिया वो किस कार्य के लिए आना चाहते हैं। उनका स्वागत कैसे हुआ, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा हुआ। जब सब लोग भगवान के नाम का नाम संकीर्तन में लगे हुए थे तब चैतन्य महाप्रभु ने जो है जन्म लिया। और बाद में भी हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम के कीर्तन को सब जगह जो है, और उन्होंने जो है प्रिडिक्शन भी की थी, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी से आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरा नाम, कि भगवान का नाम कलयुग में पृथ्वी के ऊपर जितने भी नगर हैं, जितने भी ग्राम हैं, सब जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो कलयुग के अंदर में हमारा मन जो है आसुरिक प्रवृत्तियां सबका हम लोग विनाश कर सकते हैं। इस युग अवतार ने जो युग धर्म दिया है, इस कलयुग का धर्म क्या है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। और उसके द्वारा हमें क्या प्राप्ति होगी, इस युग धर्म के नाम संकीर्तन के द्वारा सबसे बड़ी अमानत प्राप्त होगी। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि जो कृष्ण प्रेम आसानी से प्राप्त नहीं होता है, नमो महावदन्याया कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम भगवान कृष्ण आसानी से नहीं देते हैं। भगवान मुक्ति भी दे देते हैं, भगवान भुक्ति भी दे देते हैं। धन दौलत चाहिए भगवान वो भी दे देते हैं, संसार से मुक्ति चाहिए भगवान वो भी दे देते हैं। भगवान की प्रेम भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है पापी तापी यथा चीलो हरि नाम उद्धारी लो, पापी हो तापी हो कैसा भी व्यक्ति हो, चैतन्य महाप्रभु ने जो है भगवान के हरि नाम के द्वारा सबका उद्धार किया। इसलिए कलयुग में जो है भगवान को महावदन्याय, रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण से भी ज्यादा भगवान जो है उदार हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो अगर हम इतने उदार भगवान जो स्वयं आए हैं, स्वयं सबसे हाईएस्ट चीज बिना किसी प्राइस के दे रहे हैं, कोई टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। समय निकाल करके अगर हम लोग भगवान के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं तो एक्चुअली हमारा जीवन वेस्ट है। इतनी बड़ी संपदा चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान कर रहे हैं मुफ्त में, प्रैक्टिकली हमें जो है कोई भी उसके लिए देने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, अपना समय निकाल करके भगवान के नाम का जप करना है। तो ये जो है आज के शुभ दिन आप सभी भक्त लोग जो हैं एक छोटा सा डिटर्मिनेशन हम लोग ले सकते हैं, बिना डिटर्मिनेशन के भगवान की भक्ति सुलभ नहीं है। एक छोटा सा डिटर्मिनेशन लेना है, क्या लेना है कि डेली कम से कम थोड़ा समय 15 मिनट 20 मिनट भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँगा। और आप देखेंगे महीने दो महीने के अंदर में आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना में बदलाव कितना आएगा, आपका जीवन जो है सौभाग्यता से, शुभता से भर जाएगा।
क्लेशों का विनाश होगा, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी और शांति तो ऑटोमेटिकली हमारे को जो है प्राप्त हो जाएगी। भगवान की भक्ति में आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज के शुभ दिन जो है सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि कृपा करके अपना समय निकाल करके 15-20 मिनट भगवान के नाम का जप जरूर कीजिए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, हम अनाउंस करना चाहते हैं कि टेंटेटिवली भगवान की कृपा, आप सभी भक्त लोगों की कृपा रही तो 9 अक्टूबर 2022 में हम लोग जो है श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर उसकी ओपनिंग करना चाहते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौर निताय की। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ था, हमारी गवर्निंग बॉडी में डिस्कशन हुआ था कि कम से कम 4 मंदिर उस समय जो है 2022 में खोलना चाहते हैं और उसमें हुबली का भी नाम है। तो आज के शुभ दिन से अगर आप बाहर देखेंगे बोर्ड लगाया गया है, आज से हम लोग जो है मैराथन करना चाहते हैं। मैराथन लोग जो है अनेकों प्रकार की मैराथन करते हैं, बहुत लंबी दौड़ लगाते हैं। अब हम लोग जो भी जो है भगवान के मंदिर बनने तक दौड़ लगाना चाहते हैं, अपना परिश्रम जो है भगवान के लिए करना चाहते हैं। तो आज से 3 साल 6 महीने और 18 दिन शेष हैं। बाहर बोर्ड लगा है, डेली वहाँ पर कैलेंडर चेंज होगा, कल से 17 दिन, बाद में 16 दिन, इस प्रकार से जो है हम लोग काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ी एक सुअवसर सभी भक्तों के लिए है। भगवान का मंदिर बनाने के लिए सब लोगों को अवसर प्राप्त नहीं होता है, वेरी डिफिकल्ट। घर बनाने के लिए सबको अवसर प्राप्त होता है, बड़े बड़े घर बनाते हैं। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले गए थे, 20 करोड़ के घर की ओपनिंग थी, 20 करोड़ बड़े घर की ओपनिंग के लिए हम लोग गए थे। भगवान का मंदिर है, हमको केवल चाहिए और एक 25 करोड़। 3-3.5 साल के अंदर में सभी भक्त लोगों से निवेदन है, अगर हम लोग अपना घर 20 करोड़ में एक सिंगल आदमी बना सकता है तो क्या 15 लाख लोग जो यहाँ पर हुबली धारवाड़ के लोग हैं, क्या वो भगवान का 25 करोड़ का मंदिर नहीं बना सकते? आसानी से बना सकते हैं, केवल हमें जो है अपनी तरफ से एक छोटा सा जो है अपनी तरफ से मेहनत, एक डिटर्मिनेशन, भगवान के लिए कृष्ण कार्य करना है। देखिए डिफरेंस क्या रहता है, हम अपने लिए अपने परिवार के लिए जितना भी जोर लगा दें, जितनी भी शक्ति लगा दें, जितना भी समय लगा दें, मृत्यु के बाद सब जीरो। 20 करोड़ का घर, 50 करोड़ का अंबानी का घर, बड़े से बड़े घर इस धरती के ऊपर धरे रह जाएंगे, एक सिंगल कोड़ी भी हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। और मृत्यु के बाद में कोई गारंटी नहीं है कि उस घर के अंदर में ही जन्म लूंगा, और हो सकता है उस घर के अंदर में कॉकरोच बन के जन्म लिया तो क्या फायदा हुआ। बड़े बड़े कमरे भी हैं, 10-10 बेडरूम भी हुए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये हमें समझना है। पहले में जब लोगों के पास में पैसे होते थे, अपने बड़े बड़े मंजिल नहीं बनाते थे, भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। इसलिए आज आप भी देखते हैं वृंदावन में 5000 मंदिर हैं और कम से कम 50 के ऊपर बड़े बड़े मंदिर हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं, हमारे लिए नहीं है। हम लोग तो भगवान के नाम का जब पेड़ के नीचे बैठ करके भी कर सकते हैं। आज यहाँ पर बड़ा हॉल है तो आप सब लोग भक्त लोग यहाँ पर पधार सके हैं। 15 लाख की पॉपुलेशन के लिए अगर एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा तो कम से कम भक्त लोग वहाँ पर आकर के भगवान के हरि नाम, भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद, इन सब का जो है लाभ उठा सकेंगे। तो आज के शुभ दिन एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक छोटी सी स्कीम हमने लगाई है। काफ़ी भक्त लोगों ने बड़ी बड़ी सेवा भी की है, कुछ भक्त लोगों ने, मैं उनके नाम नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने मना किया है। एक भक्त ने जो है लगभग 1.5 साल पहले
95 लाख जो है उन्होंने अपनी तरफ से मंदिर को, तभी हम लोगों का ये फर्स्ट जो है स्लैब हम लोग बना सके थे। उनकी 1 करोड़ की सेवा है, उसमें से उन्होंने जो है केवल 5 लाख लास्ट में देने के लिए रखा है, बाकी का 95 लाख उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। और एक भक्त ने भी अपनी तरफ से 1 करोड़ का जो है सेवा का जो अपनी तरफ से किया है। ऑलरेडी उन्होंने 25 लाख के ऊपर उनकी ऑलरेडी सेवा, उन्होंने कहा है कि मंथली 5-5 लाख दे करके वो अपनी सेवा पूर्ण करेंगे। लेकिन सभी भक्तों के लिए, काफ़ी भक्तों ने अपनी तरफ से अलग अलग सेवाएं ली है, किसी ने धर्माधिकारी की सेवा ली है, महाधर्माधिकारी की सेवा ली है। एक और छोटी सी सेवा आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सेवा है लेकिन देखिए उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, जरा अंदाजा लगाइए। अगर 10,000 लोग मंथली का मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, कोई 1,000 रुपये दे सकते हैं, 2,000 दे सकते हैं, अगर आने वाले मिनिमम 3 साल के लिए भी 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपये प्रति महीना मैं दूंगा, बस अगले 3-5 साल के लिए आप प्रारंभ कीजिए। 10,000 का आप कैलकुलेशन कीजिए, मिनिमम 100 हुआ तो 10 लाख, 10 लाख मंथली जो है मंदिर के लिए जा सकता है। तो क्या पूरे हुबली धारवाड़ में 15 लाख लोगों में 10,000 लोग 100-100 रुपये नहीं देंगे, दे सकते हैं। लोग एक बारी में सिनेमा के लिए जाते हैं 250-300 रुपये खर्च कर डालते हैं। एक चाय कॉफी भी अगर आप एयरपोर्ट में पीते हैं 100 रुपये की मिलती है। भगवान के मंदिर के लिए 100 रुपये लोग नहीं देंगे क्या? डेफिनेटली देंगे। और आजकल जो है भगवान की कृपा से बड़ी सरल फैसिलिटी है। वो सरल फैसिलिटी क्या है? बैंक ने स्पेशल प्रोविजन दिया है, कोई भी जिसका भी बैंक अकाउंट है, आपको हर एक महीने आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप केवल अपने बैंक को डायरेक्शन देते हैं, उसमें क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में आप लिख सकते हैं 3 साल के लिए हर एक महीने इस दिन मेरे बैंक से 100 रुपये मंदिर के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। आपकी सेवा निरंतर भगवान के अकाउंट में जमा होती रहेगी। भगवान के अकाउंट में जो भी आपका जाएगा वो मात्र आपका परमानेंट बैलेंस है, बाकी आप जितने भी बैंक में डालने में लगे हैं सब टेम्परेरी है, एक दिन सब चला जाने वाला है। भगवान स्वयं आश्वासन देते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो सेवा है, भगवान की जो सेवा होती है वो परस्पर है, निरंतर है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान गारंटी देते हैं, कहते हैं इस संसार में तुम करोड़ों रुपए भी कमाओ, अगला जीवन मानव का मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा में 1 रुपये भी कोई दान करता है, भगवान गारंटी देते हैं नेक्स्ट लाइफ मिनिमम से मिनिमम उसे मानव जीवन प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति में हम लोग अपने प्रेम भाव से जो भी अपनी तरफ से सेवा करते हैं, उसकी गारंटी है कि हमें जो है रिजल्ट इटर्नल रहेगा। तो ये एक छोटी सी सेवा है, आप सभी भक्त लोग जो है मिल करके ये कार्य कर सकते हैं। और न केवल आप, आज कम से कम यहाँ पर 400-500 लोग हैं, सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ आप अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, आपके किसी सगे संबंधी के नाम से, आपके दादा अगर गुजर गए हैं उनके नाम से, जो भी आप नाम से वो सेवा करना चाहते हैं, कृपा करके जो है आज के शुभ दिन से शुरुआत हम करना चाहते हैं। और ये जो है दौड़ लगी रहेगी। और अगर आप सोचिए हमको जो है 25 करोड़ की ज़रूरत है, अगर 1 लाख लोगों ने इनरोल कर दिया तो मंथली का 1 करोड़ अपने आप आ जाएगा। 3 साल में नहीं, हम लोग जो है 25 महीने के अंदर में मंदिर बना सकते हैं, 1 लाख लोगों ने अगर अपना नाम इस सेवा में लिखवा दिया तो। इसके लिए जो भी अपना नाम देना चाहते हैं, तो हमने जो है एक छोटी सी, जितने भी लाख लोग भी उसमें नाम लिखवाएंगे, तो जो भी मिनिमम 3 साल के लिए अपना नाम लिखवाते हैं
उन सब का नाम मंदिर निर्माण सेवा एक किताब हम लोग बना रहे हैं, जो किताब मंदिर में रखी जाएगी और जो है नित्य पूजा में जो है उसके ऊपर संकल्प किया जाएगा। तो जो भक्तों ने अपना मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है उनकी वो नित्य पूजा रहेगी और उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों के अंदर में उस किताब के अंदर में लिखा जाएगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जितने भी आप अपनी तरफ से उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं कृपा करके उसमें अपना योगदान दीजिए। तो हमारे डिवोटी जो है आप वहाँ पर जहाँ पर वो बोर्ड लगा है उसके नीचे ही आज काउंटर वहाँ पर लगा रहेगा, तो जो भी भक्त लोग अपना नाम लिखाना चाहते हैं कृपा करके आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आपको विदाउट फेल आपका जस्ट मोबाइल नंबर दे दीजिए, वहीं के वहीं पर बैठ करके आपको जो है पहला आप 100 रुपीज़ या 200 जो भी देना चाहते हैं आपको जो है वहाँ से रसीट प्राप्त कर लीजिए और हर एक महीने उसके लिए फॉर्म होता है, छोटा सा फॉर्म है, वो आपको केवल फॉर्म भरना है और उसमें सिग्नेचर करना है। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए आप वो सेवा करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।